नमस्कार सभी को, मेरा नाम है शोकबीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर, जो सेक्शन 498A और 406 में एक FIR मेरे ऊपर हुई है, इस FIR को रद्द कराने के लिए यानी कि क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट कितना समय लेता है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भ्रम है कि सर कई साल हाई कोर्ट में लग जाते हैं, यहाँ पर भी नीचे जमानत हो जाती है, नीचे भी परेशानी आती है और फिर ऊपर भी हमें केस लड़ना पड़ता है, तो एक ही केस को हम दो दो जगह लड़ रहे हैं। ऐसे कई लोगों के मेरे पास सवाल आए कि सर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आज मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको ऐसे समय पर क्या करना चाहिए और कितना समय एक हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं, अप्रोच करते हैं अपनी जो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सेक्शन 498A या 323, 504, 506 या 406 या फिर 3x4 में कोई FIR दर्ज हुई है, उस FIR को आप क्वेश कराएं तो कितना समय लगेगा और किस तरीके से करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, पूरा मैं खुलकर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और एक चैनल और है साथ ही साथ में हमारे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कानून में, छोटी छोटी कड़ी बनकर एक बड़ी चेन बन जाती है, इन्हीं के आधार पर एक हमारा चैनल और है जिसका नाम है लीगल आय, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी आप क्लिक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वहां पर भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं, जो जानकारी है, उसको भी आपको मैं शेयर करता रहूं। तो सेक्शन 498A की पति पर पत्नी जो है किसी प्रकार से FIR दर्ज करा देती है, क्योंकि उनके मन में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उस क्रोध के वजह से ही उनका घर परिवार टूटता है, क्योंकि जो ज्यादा गुस्सेल प्रकार की जो पत्नियां होती हैं वही अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती हैं और अपने ही पति पर तमाम प्रकार के केस कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये केस की वजह से वो पति झुक जाएगा, जैसे हम कहेंगे वैसे चलाएगा, हम उस पर हंटर मारेंगे तो वो हंटर जैसे जैसे ना वो डॉगी टाइप स्टाइल जो है वो जैसे मतलब हम कहेंगे वैसे करेगा, तो उसी की चीज चलते हुए जो है वो अपनी वो पत्नियां जो हैं अपने पति या पति के परिवार वालों पर, क्योंकि सास ससुर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसके, और उसे ये नहीं पता कि जो बेटा है इसके तुम्हें शादी करी है वो किसी न किसी माँ बाप का बच्चा ही है, बेटा ही है, अगर तुम उन माँ बाप को नहीं एक नज़र नहीं देख सकते तो तुम्हें आने वाले टाइम में जब तुम भी किसी की सास बनोगी या तुम भी किसी के, किसी की मतलब किसी के बेटी तुम्हारे घर पर आएगी, जब तुम्हारा वो हाल करेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ वाकई मैंने अपनी सास के साथ गलत किया, आज मेरे साथ भी गलत हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ में हुई है यानी कि सेक्शन 498A या फिर 323x4 इन सब चीज़ धाराओं में जो आपके पास में एक केस दर्ज हुआ है, तो फिर आप ये इन सब चीज़ों को ये समझिए कि आप ऐसे समय पर आपको ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी देर ना करें और ऐसे समय पर अपनी FIR यानी कि जो सेक्शन 498A में जो FIR आपके साथ में हुई है, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके साथ में अगर चीज़ें हुई हैं, तो ऐसे समय पर जो है आपको अपनी FIR के साथ साथ में सर्टिफाइड FIR, अगर चार्जशीट उसमें लग गई है तो चार्जशीट की सर्टिफाइड FIR, और अगर नहीं लगी है तो सिर्फ और सिर्फ FIR की कॉपी सर्टिफाइड लेने के बाद जो है आप सीधे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां अपने स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहां पर आप मूव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर जो FIR है वो हमारे खिलाफ गलत दर्ज की गई है और गलत तरीके से यानी कि फॉल्स एलिगेशन उसमें लगाए गए हैं और उसी की वजह से जो FIR दर्ज हुई है। अगर ये सब चीज़ें आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं यानी कि कोर्ट को किसी प्रकार से पूरी बात बताकर कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, या फिर आपके पास में उन चीज़ों को एविडेंस है, जैसे सपोज उसमें ये लिखा जाता है FIR में कि जो सेक्शन 498A है या फिर 323x4 है, क्योंकि मुझे मारा पीटा, अगर मारा पीटने के साथ साथ में पत्नी आपके साथ मारपीट कर रही है, क्योंकि ऐसे भी मेरे साथ में बहुत सारे केस आए हैं जो पत्नी गुस्से में आकर कुछ उठा कर मार देती है या फिर झाड़ू मार देती है, ऐसी चीज़ें हैं, और अगर ऐसा किसी चीज़ का आपका फोटो है या फिर वीडियो कैप्चर हो गया है तो फिर, क्योंकि ये चीज़ें देखिए कोई भी नहीं करेगा कैप्चर, मुझे परिवार होता है तो कोई सोचता नहीं है कि इस तरीके चीज़ें, लेकिन फिर भी जब पत्नी ज़्यादा क्रूर होती है या फिर कैसे लगता है कि झूठे एलिगेशन लगा रही है तो घर में CCTV कैमराज भी लगा देते हैं, तो CCTV कैमरा में अगर वो चीज़ें आ गई हैं तो उनका फुटेज लेकर जो है आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और उनको बताएं कि सर ये जो मारने की या दहेज की चीज़ें हैं ये उसके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमें फंसाने के लिए गया है। तो आप उन सब चीज़ों को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोर्ट के सामने दाखिल करते हैं, समझाते हैं, तो फिर जो है कोर्ट जो इन चीज़ों को समझता है और समझने के बाद जो है वो आपके उसके पास राइट है सेक्शन 482 में CRPC के तहत कि वो जो है वो आपकी FIR जो क्वेश कर सकता है हाई कोर्ट सिर्फ। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। और अब बात करते हैं कि कैसे, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि
सर कितना समय लगता है इसमें क्वेश्चन करने में? तो देखिए, इसमें 2 या 3 डेट लगती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 2 या 3 दिन के मतलब 10 या 15 दिन के आसपास मान लीजिए, तो 15, अगर 15 15 करेंगे तो 1 महीने के आसपास, या फिर बहुत कम मतलब मैक्सिमम जो है 1 मंथ, और मिनिमम जो है 1 वीक में भी हो जाता है। क्योंकि कभी भी लगता है कि वाकई एफ आई आर क्वेश मतलब होने योग्य है, तो जो है कोर्ट जो है जो पत्नी को जो है वो काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय दे देता है। तो जहाँ समय देता है वहाँ का वहाँ थोड़ा समय लग जाता है, अदरवाइज नहीं लगता है तो फिर कोर्ट जो है वो कर देता है, क्वेश कर देता है। ऐसी कई FIR अब तक क्वेश भी हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट को भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे एलिगेशन है जो पति पत्नियों का जो है ये झूठे लगाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए, क्रोध को मतलब शांत करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोनों मतलब FIR अगर क्वेश कराते हैं, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है, क्वेश कर देता है, तो मैक्सिमम 15 से 20 30 दिन के लिए समय में हो जाता है। कुछ लोग ये कह रहे थे सर इसमें कई साल लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, झूठ है, जो भी आपको जानकारी मिली गलत मिली है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन या 1 महीना ज़्यादा लग सकता है अगर आपकी कंटिन्यू मतलब हियरिंग में आती है तो। अदरवाइज जैसे लॉकडाउन चीज़ें लग जाती हैं या फिर कुछ और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर तो कोई उसमें उसका कोई मतलब नहीं है कि कितना समय लग गया। तो ये चीज़ें हैं, जैसे ही आपकी क्वेश्चन हो जाती है वहाँ पर, तो आप उसका सर्टिफाइड ऑर्डर लेकर नीचे कोर्ट में लगाते हैं, एक थाने को देते हैं अपनी जो जो प्रॉब्लम जो नज़दीकी थाना जिसमें एफ आई आर दर्ज हुई है, बस आपकी प्रोसीडिंग जो सब समाप्त। अब एक तो ये तरीका है कि आपको एक तरफा मतलब एक आप अपने वकील के अपन जाकर आप कर सकते हैं, या फिर पत्नी के साथ समझौता करके आप उसको क्वेश्चन भी करा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, पत्नी के साथ में अगर आपकी दोनों की बात हो जाती है, मिल जाते हैं दोनों, तो क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो बस यही मेरी तरफ से जानकारी थी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और एक हमारा चैनल हो रहा है लीगल आय के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहीं स्विच कर जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।